हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम सोनाली फ्रॉम लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। तो चलो एवरीवन, हो जाओ तैयार। आज हम करने वाले हैं फॉर्मूला फटाफट। तो नाम से ही समझ में आ रहा होगा, फटाफट से सारे फॉर्मूले को हम रिकॉल करेंगे। तो आपने इसका एनसीईआरटी सॉल्यूशन किया है, वन शॉट वीडियो देखा है, रिवीजन रेज किया है और साथ ही साथ पीवाईक्यू सीरीज भी कर लिया। तो अब बस बचता है फॉर्मूला फटाफट, जिसमें आप देखोगे, समझोगे कि कौन कौन से फॉर्मूले हैं और फटाफट से आपका यहाँ पे तैयारी हो जाएगा कंप्लीट। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ मैथ्स, दैट इज रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो गेट रेडी विद योर पेन एंड पेपर सो दैट वी ऑल कैन स्टार्ट टुगेदर। और ये रहा अपना पहला चैप्टर ऑफ क्लास 12, देख सकते हो रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशंस। तो वो है क्या? एम्प्टी रिलेशन। नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो आपका एक्स क्रॉस एक्स क्या है? ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या है? फाई जो है ऑफकोर्स उसका सबसेट होता है। तो हम बोलते हैं जब भी रिलेशन आर के अंदर फाई है तो उसे हम बोलेंगे एम्प्टी रिलेशन। सिमिलरली जब यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब क्या हुआ? सारे ही एलिमेंट होने चाहिए, दैट मीन्स एक्स क्रॉस एक्स, आर शुड बी इक्वल्स टू एक्स क्रॉस एक्स, दैट मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो सारे के सारे एलिमेंट्स उसके अंदर होंगे। क्लियर? तो ये दोनों हैं। इन दोनों के बारे में इतना इंपॉर्टेंस नहीं है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो इंपॉर्टेंट है वो है ये तीनों, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड यहाँ ट्रांजिटिव। क्लियर? तो रिफ्लेक्सिव का मतलब नाम से समझ में आ रहा होगा, रिफ्लेक्शन है यहाँ। दैट मीन्स इफ A belongs to relation R, तभी हम बोलते हैं for all, हमेशा ध्यान रखना है, this is very important, for all A belongs to X, तो वो relation जो होगा वो क्या होगा? Reflexive relation. That means, कायदे से आप ये भी बोल सकते हो कि all doublet should be there, ठीक है? That means all doublet should be present there. तभी हम बोलेंगे कि relation जो है वो अपना reflexive है। जैसे कि अगर सोचो कि एक set में 1, 2, 3 है, 1, 1 है, 2, 2 है, but 3, 3 नहीं है, तभी वो क्या होगा? अपना relation जो है वो reflexive नहीं होगा। If 3, 3 is also there, then only that relation will be reflexive. क्लियर? अंडरस्टूड? चलो अब चलते हैं सिमेट्रिक में। तो सिमेट्रिक मतलब सिमेट्रिसिटी से रिलेट कर रहा है। तो अपना जो रिलेशन आर है, द रिलेशन आर इन एक्स, एक्स कोई भी अपना क्या है, सेट है, सच दैट इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, देन इट शुड इम्प्लाई कि बी कोमा ए इज ऑल्सो देयर इन आर, तभी वो रिलेशन क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। क्लियर? अब जब ट्रांजिटिव की हम बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। ध्यान रखना कि द रिलेशन आर इन एक्स सच दैट, क्या है कंडीशन? इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ये दोनों का कंडीशन है, तो फिर ए कॉमा सी शुड बिलोंग टू रिलेशन आर। इसका मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये दोनों कंडीशन है ही नहीं। जब ये है ही नहीं तो उस केस में हम ए कॉमा सी चेक नहीं करते हैं, हम बोल देते हैं कि रिलेशन इज ऑलरेडी पासिंग द ट्रांजिटिव रिलेशन। करेक्ट? जब कुछ है ही नहीं वहां तो उसे चेक नहीं करते हैं। आर यू गेटिंग दिस? दैट मीन्स इस केस में हमेशा ध्यान रखना, तभी मैंने इसको दूसरे तरीके से लिख लिया है कि रिलेशन जो है आर इज नॉट ट्रांजिटिव कफ इफ एंड ओनली इफ ए कोमा बी बिलोंग करेगा आर को एंड बी कोमा सी बिलोंग करेगा आर को, बट ए कोमा सी विल नॉट बिलोंग टू रिलेशन आर फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए, तभी वो जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव नहीं है, अदरवाइज रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव है। गॉट इट? इसको जस्ट रिवर्स में आप याद रखो तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। दैट मीन्स अगर ए बी बिलोंग करता है आर को, बी सी बिलोंग करता है आर को, बट ए सी नहीं बिलोंग करता है आर को, तो रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है, अदरवाइज वो हमेशा ट्रांजिटिव है। डन? क्लियर? तो सर बहुत सारे क्वेश्चंस आपने ऑलरेडी किए हुए हैं एनसीईआरटी में भी, रिवीजन रेस में भी, तो उसको अच्छे से देख सकते हो, फिर से रिवीजन वहां पे हो जाएगा। तो चलते हैं इसके आगे। और ये देखो इक्विवेलेंस रिलेशन, अभी अभी आपने पढ़ा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव के बारे में। तो जब भी कोई रिलेशन ये तीनों ही प्रॉपर्टी शो करता है, तीनों ही तरह का रिलेशन शो करता है, तो उसे हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर? और इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो एकदम ध्यान से इसके क्वेश्चंस कर लेना। डन? अब आता है इक्विवेलेंस क्लास। अब इक्विवेलेंस क्लास का क्या मतलब है? इक्विवेलेंस टर्म आया है यहाँ, तो हमेशा ध्यान रखना इक्विवेलेंस क्लास ए जो है उसको हम डिनोट करते हैं ए से,
कंटेनिंग ए बिलोंग्स टू एनी जो अपना सेट ए है फॉर एन इक्विवेलेंस रिलेशन, दैट मीन्स ये हमेशा डिफाइन उसी के लिए होगा जब वो रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, अदरवाइज ये डिफाइन ही नहीं होगा क्लास. ठीक है, कैसा होता है, इन ए इज द सबसेट ऑफ ए कंटेनिंग ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी रिलेटेड टू ए, दैट मीन्स जो भी हम इसके अंदर एलिमेंट लिखते हैं वो जो सेम रिलेशन है उसी से रिलेट होना चाहिए. आर यू गेटिंग दिस, दैट मीन्स हमेशा ध्यान रखना अगर एक रिलेशन आर है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है फिर ही हम उसका क्लास बना सकते हैं इक्विवेलेंस क्लास. और कैसे, अगर किसी एलिमेंट को हम पकड़ रहे हैं तो उस एलिमेंट से हम उसी रिलेशन से रिलेट करते हुए सारे एलिमेंट को लिखेंगे, सो दैट किसी को भी आप दो को साथ में रख लो यू विल ऑलवेज सी कि वो उस रिलेशन में रिलेट कर रहा है. क्लियर, इसके ऊपर के एग्जाम्पल्स देखो देन इट विल बी मच क्लियर फॉर यू. ओके, तो डेफिनेशन यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला है कॉन्सेप्ट है वो यही है. अब ये तीन जो है इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा ध्यान रखना कंडीशन फॉर इक्विवेलेंस क्लास ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. कुछ क्वेश्चंस में ऐसे दिया जा सकता है ऑब्जेक्टिव में, तो ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इन वन एंड ओनली वन इक्विवेलेंस क्लास, दैट मीन्स कोई भी कॉमन नहीं होना चाहिए. अगर हम इक्विवेलेंस क्लास डिफाइन करते हैं किसी इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए तो सबके जो एलिमेंट है ना वो एकदम टोटली डिसजॉइंट होने चाहिए, कोई कॉमन नहीं होना चाहिए, तभी ये दूसरा कंडीशन आ जाता है कि दो सारे जो क्लासेस होंगे वो म्यूचुअली डिसजॉइंट होते हैं. और जब हम साथ में सबको इंक्लूड करेंगे तो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होगा. ऑल इक्विवेलेंस क्लासेस आर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, दैट मीन्स जब हम यूनियन लेते हैं तो हमारा क्या आना चाहिए, वो पर्टिकुलर सेट आना चाहिए. क्लियर, अंडरस्टूड, तो ये हमेशा ध्यान रखो दिस इज द इक्विवेलेंस क्लास का पूरा फंडा. अब चलते हैं इसके आगे, और ये रहा अपना फंक्शन. तो फंक्शन रिलेशन से ही आता है, आपको मैंने पिछले क्लास 11 वाले में भी बताया था कि यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना जो फंक्शन होता है वो स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है जिसमें ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड बी मैप्ड विथ यूनिक इमेज. दैट मीन्स यहाँ पे अगर ये 1 2 3 4 है इस तरह से, ये है अपना अगर सोचो कि ए और ये है अपना बी सेट. ठीक है, और अगर मैं इसमें मैप कर दूं कुछ इस तरीके से, डन, मैंने इस तरह से मैप किया और फोर को छोड़ दिया, तो क्या ये फंक्शन है? नहीं, इस केस में ये फंक्शन नहीं होगा बिकॉज फोर जो है उसका कोई इमेज ही नहीं बन रहा. बट अगर मैं यही यहाँ पे फोर को दे दूं एक इमेज तब ये फंक्शन हो जाएगा. क्लियर, बिकॉज सारे एलिमेंट्स जो है ए के दे आर इन पार्टिसिपेटिंग इन द इमेज फॉर्मेशन. अब यही मैं अगर यहाँ पे कुछ इस तरीके से बना दूं कि मैंने यहाँ पे 3 का एक और इमेज बना दिया है 8 और 4 को यहाँ पे मैप कर दिया है, तो क्या ये फंक्शन होगा? तब भी ये फंक्शन नहीं होगा बिकॉज यू कैन सी 3 के यहाँ दो दो इमेज है, बल्कि क्या है डेफिनेशन, यूनिक इमेज होना चाहिए, ओनली वन इमेज इन वाई वाई इन सेट बी. आर यू गेटिंग दिस, दैट मीन्स 3 का सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज हो सकता है, आइदर 7 या 8, बट दोनों नहीं हो सकता. बट यही अगर मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से मैप कर दूं कि मैंने यहाँ पे 4 को भी दे दिया है 7 से मैप कर दिया है, तब क्या ये होगा फंक्शन? तब भी ये फंक्शन होगा इस केस में, बिकॉज 2 के एक इमेज बन सकते हैं बट 1 का 2 इमेज नहीं बन सकता. क्लियर, तो दिस इज ऑल अबाउट योर फंक्शन. तो ऐसे ही हम यहाँ फंक्शन को डिफाइन करते हैं, तो लेट अस अज्यूम मैंने इसे ही रहने दिया है एज अ फंक्शन. अब देखो यहाँ डोमेन का क्या मतलब होता है, जो भी एलिमेंट ए के हैं सदस्य जितने भी हैं 1 2 3 4 ऑल आर द डोमेन हियर, करेक्ट, दैट मीन्स सारा का सारा ए जो है वो होगा अपना डोमेन. अब यहाँ को डोमेन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो जो बी सेट है यहाँ उसमें जितने भी एलिमेंट है 5 6 7 8 9 वो सारा का सारा है को डोमेन. अब जब मैं रेंज की बात कर रही हूँ तो रेंज क्या है यहाँ, सिर्फ 5 6 एंड 7, दैट मीन्स जो भी इमेज है दैट इज रेंज हियर. क्लियर, गॉट इट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब चलते हैं इसके आगे, और ये रहा अपना 1 1 ऑन 2 एंड 1 1 ऑन 2, दैट इज बाइजेक्टिव, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे ही मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं. तो कोई भी फंक्शन अगर डिफाइंड है f such that x to y, इसका मतलब x डोमेन है और y क्या है, कोडोमेन, तो फंक्शन जो है वो 1 1 या इंजेक्टिव कहलाता है. कब? जब f of x1 is equal to f of x2, this implies x1 is equal to x2 for all x1 x2 belongs to x. तो this is very important formula, ये हमेशा ध्यान रखना, इस पर मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं. ओके, देन ऑन टू का क्या मतलब है, जब भी अपने पास कोई फंक्शन है उसमें हम क्या करते हैं, को डोमेन को दिखाना होता है रेंज के इक्वल. दैट मीन्स अगर y belongs to y है, देर एग्जिस्ट x belongs to x such that f of x equals to y, देन हम बोलते हैं वो जो फंक्शन है वो ऑन टू है या तो फिर है. क्लियर, दैट मीन्स बेसिकली रेंज शुड बी इक्वल टू कोडोमेन.
क्लियर? दैट मीन्स सारे इमेज के लिए, दैट मीन्स सारा कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट है सबके लिए कोई ना कोई प्री इमेज होना चाहिए. दैट इज द बेसिक फंडा ऑफ दिस ऑनटू. ओके, अब कोई भी फंक्शन अगर अपना वन वन है एज वेल एज ऑनटू है उसे ही हम बोलते हैं वन वन ऑनटू, या तो हम नाम देते हैं बाइजेक्टिव. क्लियर? डन, अंडरस्टूड. तो अब आता है अपना कंपोजिट फंक्शन. अब कंपोजिट फंक्शन का क्या मतलब है इसका बस डेफिनेशन देख लो, बिकॉज ये आपके सिलेबस में से हटा लिया गया है तो इसमें ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं है हमें. कंपोजिट फंक्शन का मतलब होता है f सच दैट a टू b और g अगर है b टू c, तो g ऑफ f का मतलब है g ऑफ f ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a. दैट मीन्स यहाँ जो डोमेन है इस फंक्शन का वो भी कहाँ से आएगा, a से. क्लियर? अंडरस्टूड. दैट मीन्स जो भी अंदर होता है वही उसका डोमेन होता है, और जो उसके बाहर होता है दैट मीन्स जी का जो यहाँ पे सी है दैट इज द कोडोमेन. दैट मीन्स रेंज जो है वो इसमें बिलोंग करेगा, सी में. क्लियर? अंडरस्टूड. तो दिस इज द कंपोजिट फंक्शन. अब जब हम इन्वर्टिबल फंक्शन की बात करते हैं तो बस इसका बेसिक फंडा यही है कि कोई भी फंक्शन अपना इन्वर्टिबल तभी होता है जब ये वन वन एज वेल एज ऑन टू होता है. इससे ज्यादा हमें डिटेल में जाना नहीं है बिकॉज यू डोंट हैव टू डू दिस. ठीक है? तो इसके साथ ही अपना ये टॉपिक जो है यहाँ पे होता है फिनिश. दैट मीन्स रिलेशंस एंड फंक्शन इज डन. तो इसके साथ ही अपना रिलेशंस एंड फंक्शन जो पहला चैप्टर है क्लास 12 का होता है यहाँ पे फिनिश. इसके सारे फॉर्मूले आई एम श्योर आपको रिकॉल हो गए होंगे. तो मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर के लिए. आपको पता ही है दिस इज लर्न हाउ. फ्री है पर बेस्ट है. थैंक यू, और हमारे साथ बने रहो.